उनके हिसाब से चिकन बर्रा इनसे बेटर कोई सर्व नहीं करता। मंगाई आपने, ओहो इतना सारा मसाला। जी समझा नहीं, अभी आप देखना, आप खाएंगे आपको, फिर आपको लुत्फ आएगा। And they are very confident that I would love it. For me, it was an overdose. आप लोगों के लिए कहां कहां से मुझको हिडन जेम ढूंढने पड़ते हैं? थ्री टू वन। यो यो यो, what's up people, I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and swagat hai aapka mere channel mein. Fir se ek bari, pichle vlog mein gaya tha Bahadur Dhaba pe, aaj main aaya hu Gurgaon mein Supermart 2 mein. Kahan pe, jagah ka naam hai Khana Mubarak. Khana Mubarak, yes. Acha, I'll tell you how I came to know about this place. So one of my friends Dipankar, he called me up. He said, "Chhod, main aaj na 2 din se khana manga raha hu and the food has been treating me really well. Khana ekdam genuine hai aur A1 hai." तो आई कॉल्ड अप द ओनर, आई टुक हिज परमिशन रिकॉर्ड करने के लिए एंड ही सेड मैं आपके शो में वीडियोस देखता हूँ एंड यू आर मोस्ट वेलकम। फाइनली आई हैव रीच्ड हियर, मिला हूँ ओनर साहब से। मैं कहा स्पेशलिटीज बताओ क्या क्या खास है आपका। कह रहे एक तो आपने हमारा खाना है मटन कोरमा, पीपल लव इट, बड़े प्यार से बनाया जाता है और साथ में कहते हैं बटर चिकन। कह रहे बटर चिकन काफ़ी जगह मिलता है, एक बार हमारा ट्राई तो करो। बट ऑल राइट, मगर स्टार्टर्स में बताओ। कह रहे स्टार्टर्स में खिलाना है फिश टिक्का, वेदर का हिसाब है ना, और साथ साथ चिकन मलाई टिक्का और कहते चिकन बर्रा। वाह, सारी तंदूर की आइटम है, रोस्टेड आइटम है, सर्दियों में अच्छी लगती है कि नहीं है। करना क्या, ओनर साहब से मिलना है, थोड़ी गपशप मारेंगे, ऑर्डर करेंगे, किचन में देखें किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद कैसे स्प्रेड लगा रहे हैं, फाइनली क्या कर रहा है, एक अच्छा सा सच्चा सा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आना जायज है और आना भी चाहिए, क्यों ना है? चले गाइज, मीट संदीप जी, इनसे मेरी फोन में बात हुई थी पहले, तो थैंक यू अलाउ करने के लिए ब्लॉग के लिए। अच्छा, आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं? जी, मैं आई एम ए फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आप बीच में जब बीमार हो गए थे, आई वाज बिट वरीड। अच्छा, मैंने कहा बट इवेंचुअली यू, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपसे मेरी बात हुई थी, एक तो आपने कहा था मटन कोरमा, जी एक आपने कहा था बीसी पर चिकन। स्टार्टर में क्या कहते हैं आप? स्टार्टर में आपको खिलाएंगे चिकन बर्रा, ठीक है, चिकन मलाई टिक्का, ठीक है, और फिश टिक्का, जो आपने तीनों चीज़ें रखी। जी जी, ठीक है, किचन एंटर करके देख लो एक बार। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। गाइस एंटर करते हैं किचन, कैसे शेफ साहब? बढ़िया बढ़िया, ठीक हो? अच्छा, पहले किसे तैयारी करनी है? मटन कोरमा। मटन कोरमा करें तैयारी, चलो गाइस मटन कोरमा से शुरुआत होगी। एक प्लेट में कितने पीस आते हैं भैया? फुल प्लेट में 5 पीस हैं। 5 पीस हैं, प्लेट में 3 पीसेस। अच्छा, तो मोटा मोटा ये आपका तैयार होता है, आप इसको पैन में गर्म करके देते हैं। शेफ साहब, यहाँ पे क्या है, मैरिनेट मच्छी? हाँ जी, सुरमई फिश है। सुरमई फिश यूज कर रहे हैं? जी, बेस्ट दैट द मनी कैन बाय। 100% सर, आई एग्री सर। अराउंड 250-300 ग्राम तो होती होगी ये? सर ये अप्रॉक्सीमेटली 350 ग्राम, 350 ग्राम आती है। क्या रेट है फिश का, जस्ट फॉर नॉलेज? ये हमारा है 800 रुपए के 6 पीसेस की फुल प्लेट। अच्छा, और गाइस यहाँ पे इनका है चिकन बर्रा एंड मलाई टिक्का। ये हाफ है आपका बर्रा और मलाई टिक्का भी हाफ है, क्या है? हाफ हाफ है। कितने पीस आते हैं? 4 पीस आते हैं। तो ये आपने बेसिकली सेमी डन कर रखा है? हाँ। अच्छा, और इसकी मैरिनेशन डबल मैरिनेशन होती है बर्रा की। अच्छा, बर्रा इज स्पेशलाइज्ड आइटम। अच्छा, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे अपनी सीक्रेट रेसिपी है, और ये इसलिए नहीं मैं बता रहा कि बड़ी फैशनेबल सी बात है, लोग ऐसा कह देते हैं सीक्रेट रेसिपी ये वो। वी वर्क टायरलेसली, हमने कई सालों के बाद हमने अपने मसालों का कॉम्बिनेशन एक बनाया। अच्छा, और रिजल्ट ये है कि बर्रा जो है, ऑल्दो इट इज स्पाइसी,
बट ये इसका इसका अपना एक जॉनर है और ये लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत खाते हैं इसको। गाइस ये तीनों अंदर जा चुके हैं, वापस आते हैं, बट चिकन देखते हैं। सो गाइस बीच में बाहर आया था, ऑनेस्टली द फूड लुकिंग नाइस बट फिश का रेट बहुत ज़्यादा लगा यार, 800 रुपये का साढ़े 300, मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा 350, मतलब मार्केट में 1000 रुपये किलो भी है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैंने ने बोला था ऑफ कैमरा इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड ऑफ रेट कम करें ना करें, पर दे सेड कि 350 ग्राम दे रहे हैं, 1000-1200 रुपये का किलो चलते हैं। नेवरथलेस बाकी वापस अंदर जाते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं खाने की। सर साहब चिकन करें बोलो। गाइज यहाँ पे बट चिकन तैयार हो रहा है। ये ना एक्चुअली जब मैंने परमिशन ली थी ना इसे आने की तो इन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख दिया, तो अब आके ना इसको पैन में हीट करके दे रहे हैं। बढ़िया मक्खन है नहीं आ रहा पूरा बन गया। हो गया प्रिपेयर, हाँ जी ये फिश है जी। गाइस ये फिश हो चुकी है डन, वहां भी देखो दोनों हो चुके हैं। आप किसी बारी है बर्रे की चिकन बर्रा डबल मैरिनेशन का। अच्छा जी मक्खन काफी जा रहा है इसमें है और साथ में कुछ स्पेशल ये हमारा सीक्रेट मसाला है। इतना सारा मसाला जी इतना सारा मसाला जी मैं समझा नहीं। अभी आप देखना आप खाएंगे आप तो फिर आपको लुत्फ आएगा। ये तो रंग ही बदल गया जी। और इसको अक्सर लोग रुमाली रोटी के साथ या खमीरी रोटी के साथ या खस्ता अजवाइनी लच्छा परांठा जो होता है उसके साथ खाते हैं। ये तो आइटम ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर ये हमारी स्टार आइटम है कैसे एक हिसाब से। पाकरी मलाई टिक्का है जी, चलो इसको भी दिखाई देते हैं। लकड़ी बस वही भर भर के वही है, मजेदार मजा आता है। क्रीम पसंद है आपको? मक्खन और क्रीम में शेफ साहब का हाथ खुला है। शेफ साहब हो गया जी। शेफ साहब रोटी कौन सी खिलाने वाले हो? लच्छा पराठा है। अच्छा हाजमेंट है, खमीरी रोटी खमीरी भी है। आप एक काम करना, एक लगाना खमीरी, एक लगाना नान और एक लगाना तंदूरी रोटी, ठीक है? ऐसा ही हो गई है रोटियाँ हो गई। लच्छा है ये अजवाइन है? ये अजवाइन ही लच्छा, अजवाइन ही लच्छा। ये है खमीरी, देख सकता हूँ मुझे हाथ से जी जी। ये हो गई खमीरी, मैंने खानी है तो पकड़ सकता ही हूँ। और ये तंदूरी, तंदूरी गाइस यहाँ पे लग रहा है मक्खन नान में। नान का साइज और बटर की क्वांटिटी देखो, ये इनका अजवाइन वाला। अच्छा यही क्वांटिटी जाती है या मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है? यही क्वांटिटी जाती है, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे बता रहा हूँ अदरवाइज मैंने इधर खमीरी भी मंगाई है अपने लिए। ओहो चूर चूर करते हो इसको आप, चलो एनीवे गाइस मैंने यहाँ खमीरी भी मंगाई है और तंदूरी रोटी भी मंगाई है। ये देखिए गाइस खाने के सारे शॉट्स ले लिए हैं, अब खाना लगा रहे हैं हमारे लिए। यस इट वाज लुकिंग नाइस एंड आई एम द मोस्ट इंटरेस्टेड। वो ज़रा सी वो क्या था वो बर्रा चिकन, इतना मसाला डाला था उन्होंने एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट आई वुड लव इट। फॉर मी इट वाज एन ओवरडोज, कुछ खर्चियाँ डाली थी यार, बट देखते हैं कैसा यार खाना लग रहा है। अच्छा लग रहा था देखने में, आई एम जस्ट फिनिकी अबाउट दैट बर्रा यार, देखते हैं बाकी। और गाइस खाना सारा लग चुका है एंड बाय द वे टेबल गंदी नहीं है, मुझे भी ऐसे ही लगा था। अगर आपको देखो थोड़ा फेड रंग है बट मैंने जब टच किया था उस क्लीन वगैरह वो फेड हो जाता रंग धूप में। एनीवे मटन कोरमा, बटर चिकन, मलाई टिक्का, चिकन बर्रा एंड साथ में फिश टिक्का
accompanied by ajwaini, lachha parantha, butter naan, khamiri roti, tandoori roti. सिरके वाला प्याज नहीं छटके, पानी आता है यार. इंटरेस्ट नहीं पता है, मुझे भी आता है यार. मतलब मेरे सामने मुझे तब भी आ रहा है कि नहीं है. एनीवे ट्राई किससे करना है. आई थिंक वी स्टार्ट विद मलाई टिक्का. आज शक्ल देख लो एक बारी. ये है जी मलाई टिक्का. इन्होंने मुझे हाफ प्लेट दिया, हाफ है चार पीस आते हैं. ट्राई करें. ये देखो जी. ओह मैन, हाँ मलाई टिक्के का ना मज़ा ही अलग है यार. मतलब इट्स टू मच ऑफ क्रीम फॉर मी ऑनेस्टली, बट देन देखते हैं. ओके, कैशू का फ्लेवर, थाई बोनलेस पका हुआ अच्छा सा. आई लव द कोरिएंडर ऑन टॉप, अमेजिंग. क्यूकम्बर सेंसलेस है, क्यूकम्बर की ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. दिस इज़ पॉइंटलेस, इट्स नॉट मेकिंग सेंस. बट टिक्का इट्सेल्फ इज़ अमेजिंग, अच्छा लगा. इनफैक्ट ये क्यूकम्बर ने हर किसी में दिया है एंड आई डोंट सी एनी सेंस. आई थिंक प्याज इज़ इनफ, ना अलग से दे रहे खीरा, ऐसे प्लेट में डालने की जरूरत नहीं है. बट हाँ एनीवे आ जाओ जी, भरने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ. ये मसाला देख रहे हो ऑन टॉप, आई हैव नो आइडिया हाउ विल इट टेस्ट. और इसमें ऐसा क्या है जो इतना कॉन्फिडेंस है ओनर साहब में. आई एम हैप्पी टू सी. ओके ओके, the chicken itself is cooked nice, but I do not like the masala. Nah. It's too much. मैं सिर्फ वो मसाला ही खा रहा हूँ and it's too much. I like it, but I can say वो कैफ है but नहीं आ रही, वो पूरा मसाला है. इसके अंदर की मैरिनेशन फिर ठीक लग रही है जो मैं अंदर से खा रहा हूँ, but on top ना अगर वो मसाला हल्का कम डालता ना, this might have been better, but no. मलाई टिक्का वॉज एक्सेप्शनली गुड, मज़ा आ गया था. इसमें थोड़ा सा हुआ. आ जाओ जी आ जाओ. फिश है, फिश का रेट ज़्यादा लगा था मेरे को, बट क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और पीस इतना बड़ा है, सो ये अच्छी अच्छी बात है. ये चाहते तो इसको भी 8 पीस बना सकते थे, बट इन्होंने ये अपना 6 पीसेस में दिया है, थोड़े छोटे करके. मतलब ट्राई करें इसको. आ जाओ जी आ जाओ. ओह मैन गुड यार. ओके, मैरिनेशन परफेक्ट, लव इट. सुरमई यस, बहुत मज़ा आ रहा है. एक फीडबैक, थोड़ा सा कम पकाओ. अगर 5 मिनट के लिए गई है तो ये 30-40-50 सेकंड कम हो सकती है, 1 मिनट कम हो सकती है, हल्की ड्राई है, बट द एक्चुअल फ्लेवर इज इंटैक्ट. आई एम लविंग इट. मच्छी जो कह लो, जैसी कह लो, पसंद आती आती है. मतलब ये तो रूल है, समझ लो. अब आते हैं किसकी बारी है, कुछ बचा तो नहीं है ना, कुछ नहीं था. हाँ जी, मेन कोर्स की बारी है, मटन कोरमा और बटर चिकन. साथ में लेंगे ये, क्या ये है जी इनका अजवाइनी लच्छा, साथ में ये है इनका बटर नान. सीन देख रहे हो. एनीवे ट्राई करते हैं, हल्का सा लेते हैं लच्छा. मैंने हालांकि खमीरी बनवाई थी इनसे स्पेशल. आ जाओ जी आ जाओ, बीस की खाते हैं. थोड़ा पीस पका अच्छे से हुआ, ग्रेवी ट्राई करते हैं. ऑलराइट लेट्स गो इन, 3, 2, 1 सब्सक्राइब. भूल गया तो ऑनेस्टली बताऊं, अभी याद आया. सुपर हिट, पूरा पूरा बीसी, नो डाउट, मज़ा आ गया. ग्रेवी ये पता कैसे है, हल्का सा मसालेदार है, बट एट द सेम टाइम इट्स क्रीमी एज वेल एज, नहीं स्वीट इतना नहीं है, इट्स क्रीमी. तो जिसको क्रीम, जिनको क्रीम फॉर्म में बटर चिकन पसंद है एंड मीठा ना पसंद है, दिस इज द प्लेस फॉर यू मैन. लव इट. चिकन अच्छे से पका हुआ था, ग्रेवी अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है कि नहीं है. आ जाओ जी आ जाओ, बटर नान लेते हैं बढ़िया सा. ये है जिनका नली का पीस. ये माल तोड़ा, देख रहे हो जी. ये लिया मसाला, ट्राई करें इसको. हुँ.
मुझे लग रहा था ऐसी कोरमा बोल रहे हैं, बट इट एक्चुअली हैज अ टेस्ट ऑफ कोरमा, पूरा पूरा कोरमा। फेवरेट अमंगस्ट ऑल द मसाला, ए वन एक और भाई लूँगा इसकी कमेरी के साथ, क्योंकि स्पेशली ऑर्डर की थी। एंड डज लुक नाइस यार, टेस्ट करने तो बनती है ना, बट हाँ दिस टुक मी अवे मैन। इससे ना कोरमा मटन अचारी ये एक्सपेक्ट करना, ग्रेवी करी मत करना, फिर बता रहा हूँ अचारी फ्लेवर आ रहा है, कोरमे का फ्लेवर आ रहा है, वो है। इन टोटैलिटी मोस्टली आई लव्ड एवरीथिंग, एक दो छोटे फीडबैक मैं वो ज़रूर दूंगा, बट ट्रेमेंडस जॉब, ब्रेड्स आर नाइस इज वेल। जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ, फिर जगह की डिटेल्स देता हूँ। ऐसे ऊपर खड़ा हूँ सर, नीचे सर मैंने खाना खा लिया जी, तो आपको कैसा लगा था? देखो मुझे ना एक छोटा हिंट दे रहा हूँ, आई सिंसियरली लाइक मटन कोरमा, वो एक्चुअल कोरमा था, उसके मसाले में जान थी, और कोरमा कोरमा ही होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिकली आप करी नहीं कोरमा कह रहे हो तो वो जस्टिफाई हुआ। उसके अलावा जो भी है अच्छा था, वो वीडियो में आप देखोगे। अच्छा, थोड़ा सा ना आपको पता ना चलेगी। हाँ जी 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 बिल्कुल, चलिए और अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सर। ऑलराइट गाइस, व्हाट अ वंडरफुल मील यार, अच्छा लगा खा के। खाना मेरी उम्मीद से ऊपर था, कुछ चीज़ें मेरी उम्मीद से नीचे थी, बट इन टोटैलिटी इट वॉज मोस्टली गुड। अच्छा बाय द वे 20% ऑफ है फ्रॉम द ओनर साइड, जस्ट अ कॉर्डियल थिंग दैट ही इज डूइंग, तो इन केस यू कॉल टेक माई रेफरेंस एंड ऑर्डर। तो वंस अगेन, खाना मुबारक जगह का नाम है, डिस्क्रिप्शन पे लोकेशन एड्रेस प्राइसिंग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स होंगी। ना मिले फोन करके परेशान करो, पहुंचो, ट्राई द फूड एंड लीव अ कमेंट, और कुछ बताना कुछ बताना। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पर शोएब रोरा लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, अंटिल देन टेक केयर, हैव फन।